हेलो, तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ने दो टॉपिक कंप्लीट किए। अभी हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू ट्रेंड्स इन बिजनेस। इसका मतलब है आजकल बिजनेस में क्या चल रहा है, इसके बारे में अपने को पढ़ने का है। तो अभी सबसे पहला आपको स्क्रीन में दिख रहा है इंट्रोडक्शन। अभी इंडियन इकोनॉमी हैज़ एक्सपीरियंस मेजर पॉलिसी चेंजेस इन अर्ली 1990s। मतलब 1990s से लेके इंडिया में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं 1990s से, और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉपुलरली नोन एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एलपीजी मॉडल एम एट मेकिंग द इंडियन इकोनॉमी एज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। तो अभी अपनी इकोनॉमी सबसे फास्ट ग्रो होने वाली इकोनॉमी है, और कॉम्पिटिटिवनेस मतलब हम लोग कॉम्पिटिशन भी दूसरों के साथ कर सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ दिस इज एक्सप्लेन एज अंडर, उनका इम्पैक्ट हम लोग अभी समझाएंगे। सबसे पहला इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। अभी लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? तो लिबरलाइजेशन मीन्स रिडक्शन ऑन गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन द प्राइवेट सेक्टर। मतलब गवर्नमेंट का जो प्राइवेट सेक्टर पे कंट्रोल है वो थोड़ा सा कम हो गया। हम लोग फ्री उनको थोड़ा सा फ्री कर रहे हैं अपने कंट्रोल से, गवर्नमेंट से कंट्रोल से वो लोग फ्री हो रहे हैं प्राइवेट सेक्टर वाले। इन 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक सेवरल डिसीजंस अबाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विच इंडिकेटेड टेंडेंसी टूवर्ड्स वन एंड मोर प्राइवेटाइजेशन। तो 1991 में कुछ अच्छे डिसीजंस गवर्नमेंट में लिए, तो जिधर से उन लोग को थोड़ा फ्री महसूस हो गया। तो द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इज एक्सप्लेन एज फॉलोज। तो हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखेंगे और निगेटिव इम्पैक्ट भी देखेंगे। तो सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा। लिबरलाइजेशन हैज़ ग्रेटली इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। पहले हम लोग ऐसा उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखते हैं कि कितने मेंबर चाहिए, क्या कितना कैपिटल होना चाहिए। अभी वो मेंबर्स का और कैपिटल का रिस्ट्रिक्शन हट जाने के वजह से प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होने लगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली, पैसा बढ़ने लगा। इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड हैज़ विटनेस अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 8%। मतलब इंडियन इकोनॉमी 8% से ग्रो हो गई। इवन दो इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स द ग्रोथ हैड बीन शोड डाउन टू अराउंड 5 to 6%। मतलब पिछले 2 साल में 5 से 6% का रेट है। तो पिछले 2 साल में 5 से 6% है, लेकिन रिलेटिवली अच्छा परफॉर्मेंस है, रिलेटिवली हाई एज कंपेयर टू प्री लिबरलाइज एरिया। मतलब लिबरलाइजेशन करने से पहले 2 to 3% थी, उससे 5 से 6% कभी भी अच्छा है। तो 2 साल में 5% थी और ओवरऑल 8% है। तो नॉन लिबरलाइज से ये एरिया अच्छा है कि इसमें आप कम से कम 5 से 6% ग्रोथ दिख रहा है आपको, और तभी 2 से 3% था और अराउंड 8% इंक्रीज हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन FDI, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वन ऑफ द पॉजिटिव आउटकम ऑफ द लिबरलाइजेशन हैज़ बीन हायर इन फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। मतलब फॉरेन के लोगों का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में होने लगा। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन बढ़ने लगा। लिबरलाइजेशन हैव ब्रॉट इन एन एनवायरमेंट ऑफ हेल्थी कॉम्पिटिशन। एक अच्छा हेल्थी कॉम्पिटिशन इंडिया भी इंडिया को एक्सपीरियंस ले रही है। हेल्थी कॉम्पिटिशन इन द मार्केट प्राइस विथ मोर नंबर ऑफ प्लेयर्स बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल।
मतलब फॉरेन के लोग भी ज़्यादा है, इंडिया के लोग भी ज़्यादा है, तो कंपटीशन हेल्दी है, तो कंपटीशन इन टर्न हैज जनरेटेड वाइडर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो कंपटीशन की वजह से क्या हो गया, अभी वैरायटी प्रोडक्ट्स बहुत हो गए, जैसे डिफरेंट कंपनीज के मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, तो कंपटीशन के वजह से अपने को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलने लगे। तो कंपटीशन के वजह से अपने को प्रोडक्ट्स की वैरायटी मिलने लगी, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, मतलब कंपेयर कर सकते हैं किसका प्राइस अच्छा है किसका खराब है, एंड बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कंपटीशन के वजह से गुड्स की क्वालिटी भी सुधरने लगी। दस लिबरलाइजेशन हैज़ बेनिफिटेड द इंडियन कंज्यूमर इन अ बिग वे। तो इससे इंडियन कंज्यूमर का फायदा हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है डी लाइसेंसिंग, मतलब लाइसेंसिंग कम करना। बिफोर लिबरलाइजेशन स्टार्टिंग एन इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज टीडियस जॉब, बहुत डिफिकल्टी होती थी इंडिया में लिबरलाइजेशन से पहले कंपनी स्टार्ट करना। नंबर ऑफ कंप्लायंस इन द फॉर्म ऑफ परमिशंस एंड लाइसेंस वेयर रिक्वायर्ड। तो बहुत सारे परमिशंस लगते थे, बहुत सारे लाइसेंस लगते थे कंपनी स्टार्ट करने के लिए। दिस डिलेड द प्रोजेक्ट एंड एस्केलेटेड द कॉस्ट। तो इसके वजह से क्या होता था, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में देरी लगती थी और एस्केलेटेड मतलब कॉस्ट भी बढ़ता था। तो जैसे पहले 10 लाख में होना चाहिए तो वही चीज़ के लिए 1 करोड़ रुपया लगता था, उसको बोलते एस्केलेशन, कॉस्ट बढ़ता था। द फोकस ऑफ लिबरलाइजेशन वॉज ऑन रिड्यूसिंग दिस प्रोसीजर डिलेज कॉस्ट बाय वेरियस लाइसेंसेस। तो लिबरलाइजेशन का जो फोकस था वो लाइसेंस के वजह से जो लेट हो रहा है उसको कम करने में जुड़ा हुआ था। दिस हैज़ फैसिलिटेट द क्विक फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज। तो इसके वजह से क्या होने लगा, कंपनी जल्दी से जल्दी फॉर्म होने लगी। ये पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन इंडियन बिजनेस। बिजनेस एक्टिविटीज इन इंडिया आर वेरी मच अफेक्टेड ड्यू टू लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के वजह से बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत उसके ऊपर अफेक्ट होने लगा। इंडियन मार्केट्स आर नाउ ओपन अप टू फॉरेन कंपनीज, मतलब हम लोग फॉरेन में जाके भी माल बेच सकते हैं। इम्पोर्ट्स आर फ्रीली अलाउड, अभी हम लोग इम्पोर्ट करना है तो फ्रीली इम्पोर्ट कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट फॉरेन गुड्स आर नाउ इजीली अवेलेबल टू इंडियन कस्टमर्स। तो अगर इंडिया के लोगों को फॉरेन के गुड्स चाहिए तो उनको आसानी से मिल सकते हैं। तो इंडिया को फॉरेन के गुड्स अगर चाहिए तो वो भी आसानी से मिल सकते हैं। द डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स सर्टनली अफेक्ट्स द मार्केट फॉर डोमेस्टिक गुड्स। तो उससे क्या होता है कि अगर फॉरेन गुड्स के लिए डिमांड बढ़ गया तो इधर इंडिया के गुड्स के ऊपर बहुत बुरा असर होता है। आवर इंडस्ट्रीज वेर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड मेकिंग द गुड्स कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी प्राइस एक्सेट्रा। तो इससे क्या हो गया कि अभी इधर इंडिया के लोगों को अपने गुड्स की क्वालिटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, और द स्कोप ऑफ इंडियन बिजनेस हैव इम्प्रूव्ड आफ्टर लिबरलाइजेशन। मतलब अगर मार्केट में रहना है तो अपने को अच्छे क्वालिटी के गुड्स लोगों को बेचने पड़ेंगे, तो ये उनको एहसास हो गया। तो ये था पॉजिटिव इम्पैक्ट। अभी नेक्स्ट है निगेटिव इम्पैक्ट। ऑन द निगेटिव साइड हावेवर देर आर सम सीरियस प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट इज लिबरलाइजेशन।
तो लिबरलाइजेशन मतलब ही न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो उसका बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट भी है, वो भी अपने को देखने हैं। दीज आर एज फॉलोज। सबसे पहला डिमांड फॉर फॉरेन प्रोडक्ट, तो जो उधर एडवांटेज था वही इधर डिसएडवांटेज बन गया। आवर मार्केट्स हैव बीन फ्लडेड विथ चीप फॉरेन गुड्स, मतलब अभी अपने को जो कंपटीशन फेस करनी है कि फॉरेन गुड्स सस्ते में मिल रहे, जैसे चाइना के गुड्स है वो सस्ते में मिल जाते थे, तो अभी अपने को फॉरेन गुड्स के साथ अपने को कंपटीशन करनी पड़ रही है, क्योंकि उनके गुड्स सस्ते में मिलते हैं, अपने गुड्स इतने सस्ते नहीं होते। दिस ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन अ बिग वे, तो उसका एडवर्स इफेक्ट अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे हुआ। पीपल प्रेफर फॉरेन ब्रांड्स एंड लेबल्स एंड इग्नोर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रिजल्टिंग इन क्लोजर ऑफ स्मॉल मीडियम लोकल मैन्युफैक्चरर। तो लोग थे वो ज़्यादा करके फॉरेन ब्रांड्स प्रेफर करने लगे और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को वो इग्नोर करते थे। तो उसके वजह से क्या हो गया, जो छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको अपना कंपनी बंद करना पड़ा। आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो। हम लोग आगे का स्टार्ट करते हैं। तो अगला पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट। लिबरलाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस एफिशिएंट एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी विच हैज मेड मैन पावर सरप्लस। तो लिबरलाइजेशन के वजह से क्या हो गया कि अपने पास टेक्नोलॉजी ऐसे आने लगी कि जिससे अपने को लोगों की जरूरत कम पड़ने लगी, मैन पावर कम पड़ने लगा। इन अ कंट्री वेयर मैन पावर इज एन एसेट,
मैनी पावर मैनी पीपल हैव बिकम जॉबलेस बिकॉज ऑफ द रिसेंट चेंजेस. तो अपने इंडिया में जिधर मैन पावर ये बहुत बड़ा एसेट है, तो टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी आने के वजह से क्या हो गया, लोग जॉबलेस होने लगे और रिसेंट चेंजेस के वजह से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल लोकेशन. गवर्नमेंट हैज़ गिवन फ्रीडम टू लोकेट इंडस्ट्रीज एनी वेयर इन द कंट्री एज पर द चॉइस ऑफ द बिजनेस फर्म. तो गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है कि किधर भी आपको इंडस्ट्री डालने का रहेगा आप डाल सकते हो. तो लोग क्या करने लगे, जो अच्छे एरियाज है उन एरियाज में इंडस्ट्री डालने लगे और बैकवर्ड एरियाज के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया. दिस वुड इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज. तो अच्छे एरियाज में उन्होंने अपना फैक्ट्री डालना चालू किया, तो उसके वजह से बैकवर्ड एरियाज के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया. फिर अगला पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ डी लाइसेंसिंग. द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 रिकमेंडेड द ऑटोनॉमिक एक्सपेंशन विद गवर्नमेंट परमिशन. दिस हैज रिजल्टेड इन हैवी एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटीज इन 1990s इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज. तो क्या होने लगा, सब सेक्टर्स बढ़ने लगे. तो इसके वजह से क्या हो गया, लोगों का प्रोडक्शन इतना हो गया कि उसके लिए डिमांड नहीं है, तो इसके वजह से रिसेशन होना चालू हो गया. दिस इन टर्न हैज रिजल्टेड इन रिसेशन एस्पेशली बिटवीन 1996 एंड 2003. मतलब लोगों का माल भी बेचा नहीं जा रहा था. और फिर अगला हम लोग देखेंगे, ये थे निगेटिव इम्पैक्ट्स. अभी अगले हम लोग चालू करेंगे इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन. अभी प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या रहता है, प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस दैट रिड्यूसेस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ और पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ नेशन. मतलब अभी कैसे था कि रेलवेज वगैरह जो सेक्टर्स है उनको गवर्नमेंट चलाता है, तो अभी प्राइवेटाइजेशन मतलब कुछ सेक्टर्स प्राइवेटली लोग चलाने लगे. जैसे अपना मेट्रो है, अपना मेट्रो गवर्नमेंट नहीं चलाता, जो घाटकोपर से अंधेरी मेट्रो जाता है वो रिलायंस कंपनी चलाती है. तो प्राइवेटाइजेशन मतलब कुछ सेक्टर से गवर्नमेंट ने अपना हाथ निकाल लिया और वो प्राइवेटली लोगों को चलाने को दे दिया, तो उसका मतलब है प्राइवेटाइजेशन. अभी उसका इम्पैक्ट क्या है वो देखते हैं. द इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज एक्सप्लेन एज फॉलोज. तो सबसे पहला है पॉजिटिव इम्पैक्ट. फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने को देखने को मिला. प्राइवेट सेक्टर फोकस ऑन प्रोवाइडिंग बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट. तो आप अच्छा तरीके से काम कर सकते हो, इसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर का हमेशा फोकस लगा रहता है. फॉर दिस ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज मेड इन इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कि एक अच्छा आपको एटमोसफियर क्रिएट करे, एसी हो, बाद में सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा हो, तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का प्राइवेट सेक्टर का फोकस रहता है. बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्न्स इंक्रीजेस द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा करने से क्या होता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. फिर नेक्स्ट पॉइंट वही है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी. मोस्ट गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज आर इनएफिशिएंट एंड आर रनिंग इन लॉसेस. बहुत सारे जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज थी वो इनएफिशिएंट थी और वो लॉसेस में जा रही थी. ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन देयर एफिशिएंसी इज लाइकली टू इम्प्रूव. तो इसके वजह से क्या है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होने का चांस है. प्राइवेट सेक्टर फोकस मोर ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी एंड लोअरिंग और मिनिमाइजेस वेस्टेजेस. तो प्राइवेट सेक्टर किसके ऊपर फोकस करती है, अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की, एफिशिएंसी बढ़ाने की, इसके ऊपर उसका फोकस रहता है. और वेस्टेज कम, या उसको वेस्टेज होना ही नहीं चाहिए, इसके ऊपर फोकस करती है. तो इधर तक आप पढ़ के लो.
आगे का पढ़ते हैं। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स मेक यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट्स एंड द प्रॉफिट। तो जो प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टर थे और फॉरेन इन्वेस्टर, उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जिससे उनका प्रोडक्शन और प्रॉफिट बढ़ सके। बेटर टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एक अच्छा टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या होता है कि उससे अपना प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो जाता है। फिर लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ओन एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर था वो ओन और मैनेज करता था गवर्नमेंट, लेकिन प्राइवेट विद ग्रोथ ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री इज रिड्यूसिंग बाय द डे। तो प्राइवेट सेक्टर ने इंडस्ट्रीज फॉर्म होने की वजह से क्या हो गया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उधर कम होने लगा। दिस हैज़ ऑल्सो रिड्यूस द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज टू द ग्रेट एक्सटेंट। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होने लगा कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो मेनी कंपनीज सीक्स फंड्स थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो लोगों को जो फंड चाहिए वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से होना चालू हो गया। तो उससे क्या हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी बढ़ गया। अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ अ शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बेनिफिट्स इमेंसली ड्यू टू सच इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी इंडिया जैसे कंट्री को इमीडिएटली गरज है। तो उसके वजह से क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन के वजह से फॉरेन एक्सचेंज बहुत सारा इंडिया को मिलने लगा। एंड इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इम्प्रूव इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री। और उसके वजह से अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इम्प्रूव होने लगा। फिर ये थे पॉजिटिव इम्पैक्ट। अभी दूसरा पॉइंट है निगेटिव इम्पैक्ट। तो निगेटिव इम्पैक्ट में सबसे पहला लैक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हम लोग ने देखा था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके पास होनी चाहिए, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के वजह से सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा कम देखने को मिली। बिजनेस इज एन सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो करना है वो सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का मन में ध्यान में रख के करना है। हाउएवर इन देयर ईगरनेस टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट प्राइवेट बिजनेसमैन इग्नोर देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज शेयर होल्डर्स सोसाइटी एक्सेट्रा। तो प्राइवेटाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का ऐसा माइंड में रख के तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी अपनी जो जवाबदारियाँ है गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए शेयर होल्डर्स के लिए उनके ऊपर कम ध्यान रखने लगी। दिस क्रिएट्स डिसकंटेंट अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स उसके वजह से नाराज़ हो गए। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हाई प्राइजेस। प्राइवेट बिजनेसमैन आर इन अ पोजिशन टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्राइवेट बिजनेसमैन जो है वो तैयार है ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। इफ़ दे सक्सीडेड इन डेवलपिंग यूनिक प्रोडक्ट दे आर लाइकली टू रिकवर द कॉस्ट फ्रॉम द कस्टमर्स बाय चार्जिंग हाई प्राइजेस फॉर द प्रोडक्ट विच प्रोड्यूस। तो अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं प्रोडक्ट बनाने में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस कस्टमर्स को चार्ज कर सकते हैं जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाए उनके लिए। ओके उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर्स। मतलब कस्टमर्स को वो बहुत फंसने लगे। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट अ प्राइवेट बिजनेसमैन डू नॉट हेजिटेट टू वायलेट वेरियस लॉस एस्पेशली पर्टेनिंग टू वर्कर्स। तो प्राइवेट बिजनेसमैन क्या करने लगे कि वो लोगों को फंसाने लगे, बाद में लॉस तोड़ने लगे, और ज़्यादा करके वर्कर्स से रिलेटेड जो लॉस होते हैं वो आसानी से वो तोड़ सकते थे। दे मे नॉट इवन पे द मिनिमम वेजेस एज प्रिस्क्राइब बाय लॉ। एक रूल रहता है कि कम से कम आपको इतना अमाउंट पे करना है, 10,000 अमाउंट हर एक वर्कर को मिलना चाहिए, ऐसा रूल रहता है।
तो प्राइवेट बिजनेसमैन वो रूल फॉलो नहीं करते थे. दिस एडवर्सली अफेक्ट नॉट ओनली ऑन द परफॉर्मेंस बट ऑल्सो ऑन द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज. तो इससे क्या होता है, सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयज़ के हेल्थ के ऊपर भी प्रॉब्लम होने लगा. फिर अगला पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो ये ऊपर का पड़ा, ये निगेटिव इम्पैक्ट है. अभी ग्लोबलाइजेशन के देखते हैं. ग्लोबलाइजेशन इज अ वाइडर टर्म एंड ट्रीट्स वर्ल्ड एज वन इकोनॉमी. तो ग्लोबलाइजेशन ये बहुत बड़ा टर्म है और वो पूरे वर्ल्ड को एक इकोनॉमी करके ट्रीट करता है, जैसे इंडिया की इकोनॉमी है. तो ये वर्ल्ड पूरी एक कंट्री की इकोनॉमी को ट्रीट करता है, उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं. तो एक वर्ल्ड एक नेशन, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस इज अ प्रोसेस ऑफ लिंकिंग अ कंट्रीज इकोनॉमी विद वर्ल्ड्स इकोनॉमी. तो कैसे एक कंट्री के इकोनॉमी को वर्ल्ड के इकोनॉमी से ज्वाइन करें, उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं. तो सबसे पहला इम्पैक्ट देखते हैं, उसमें सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट सबसे पहला है इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज. मतलब सब कंट्रीज इकट्ठा होने लगी. ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर द बिजनेस पर्पज. मतलब बिजनेस के लिए कंट्रीज इकट्ठा आने लगी. ट्रेड इज मेड फ्री एंड देर इज फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ऑल कंट्रीज. अभी ट्रेड फ्री होने लगा, मतलब उसके ऊपर टैक्स वगैरह कुछ हम लोग लगाते नहीं हैं और इधर से उधर मूवमेंट भी फ्री होने लगा, कुछ परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी. तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन. बाद में सेकेंड पॉइंट है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेटेड कंट्रीज टू ग्रो एंड एक्सपैंड प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज. तो ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज देती है लोगों को ग्रो करने के लिए और अपना प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटीज एक्सपैंड करने के लिए. कंसर्न कंट्रीज प्रमोट्स एक्सपोर्ट एंड अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज. जो भी कंसर्न कंट्री है वो एक्सपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट करने से उन लोगों के पास फॉरेन एक्सचेंज आता है. दिस इज अगेन इन्वेस्टेड इन द इकोनॉमी एंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू पीपल विद इन द कंट्री. अभी ये जो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ रहा है उसको इन्डिया में फिर से री इन्वेस्ट किया जाता था और उससे क्या होने लगा कि इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे बढ़ने लगा. फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटीज. मतलब कस्टम ड्यूटीज़ क्या होता है कि जो हम लोग इम्पोर्ट के ऊपर लगाते हैं, कुछ माल अगर परचेस किया रहेगा तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाते हैं वो कस्टम ड्यूटीज है. द कस्टम ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट हैव बीन रिड्यूस्ड कंसिडरेबली एस्पेशली सिंस 1995 के बाद कस्टम ड्यूटी कम होना चालू हो गया. 1995 में तभी 40% कस्टम ड्यूटी था, अभी वो 10% हो गया है इसके ग्लोबलाइजेशन के वजह से. ऑल्सो क्वान्टिटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट हैज बिन रिड्यूस. मतलब क्वान्टिटिवली जो रिस्ट्रिक्शन थे कि इतना ही माल परचेस कर सकते थे, वो क्वान्टिटिव रिस्ट्रिक्शंस भी अभी निकाल दिया है. दिस हैज रिजल्टेड इन इम्पोर्ट ऑफ क्वालिटी गुड्स विच हैज इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ऑल्सो रिजल्टेड इन गुड कॉम्पिटिशन विद द डोमेस्टिक इंडस्ट्री. तो इसके वजह से क्या हो गया, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने लगा और कंपटीशन के वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी इंडिया की बढ़ने लगी. आप इधर तक पढ़ के लो.
ओके, हम लोग आगे का पढ़ते हैं। आगे है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। तो ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटेट्स इजी ट्रांसफ़र ऑफ वन कंट्री टू द अदर ड्यू टू फ्री कन्वर्टिबिलिटी। तो ट्रांसफ़र इजीली पॉसिबल हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के वजह से। दिस इज लीड टू फ्लो ऑफ फंड्स टू पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो उससे क्या होने लगा कि जो गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज थी उनके पास पैसा आने लगा। अलॉन्ग विद कैपिटल टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो मूव फ्रॉम डेवलप टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो कैपिटल के साथ टेक्नोलॉजी भी डेवलप से डेवलपिंग कंट्रीज में जाने लगी। सच नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो उसके वजह से क्या हो गया, इंडस्ट्रीज का मॉडर्नाइजेशन हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट हैज़ लिबरलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज। तो गवर्नमेंट में फ्रीली अलाउड किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। एट प्रेजेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अलाउड इवन अप टू 100% इन सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज। मतलब कुछ इंडस्ट्रीज में 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अलाउड है। दिस हैज़ नॉट ओनली जनरेटेड मोर फॉरेन कैपिटल बट ऑल्सो हैज रिजल्टेड इन अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियाज कंपनीज। तो इसके वजह से सिर्फ फॉरेन कैपिटल बढ़ा ऐसा नहीं, तो इसके वजह से टेक्नोलॉजी भी इंडिया में बढ़ने लगी है। तो ये था पॉजिटिव इम्पैक्ट। अभी निगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे। सबसे पहला है प्रॉब्लम्स फॉर डोमेस्टिक कंपनीज। डोमेस्टिक कंपनीज इज कम इन डिफिकल्टी ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। डोमेस्टिक कंपनी डिफ़िकल्टीज में आ गई है ग्लोबलाइजेशन के वजह से। दे हैव टू फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम द फॉरेन कंपनीज विच आर सुपीरियर विद रिगार्ड ऑफ क्वान्टिटी एंड क्वालिटी एंड कॉस्ट। तो फॉरेन कंपनी के गुड्स ये बहुत अच्छे होते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है और उनका जो कीमत रहती है वो भी बहुत कम रहती है। द बिजनेस ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज कैन कम इन डिफ़िकल्टीज ड्यू टू कॉम्पिटिशन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। तो इसके वजह से डोमेस्टिक कंपनीज का बिजनेस खतरे में आ सकता है। इवन स्मॉल स्केल एंड एग्रो इंडस्ट्रीज में कम इन डेंजर ड्यू टू लिबरल पॉलिसीज विद रिगार्ड टू ग्लोबलाइजेशन। तो उसके वजह से स्मॉल स्केल और एग्रो इंडस्ट्री भी खतरे में आ सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 लिबरलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो इसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया। एट प्रेजेंट एफडीआई इज अलाउड इन सेवरल सेक्टर्स। बहुत सारे सेक्टर्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है। हाउएवर द एमएनसीज आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अलॉन्ग इन्वॉल्विंग लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। लेकिन ये जो एमएनसीज रहती है मल्टीनेशनल कंपनीज वो जिसमें गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा है। अभी गेस्टेशन पीरियड क्या रहता है कि प्रॉफिट कमाने तक जो पीरियड लगता है। हम लोग ने आज कंपनी स्टार्ट किया तो आज के दिन से प्रॉफिट स्टार्ट नहीं होगा, तो जितना पीरियड प्रॉफिट कमाने के लिए लगता है उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो जिधर ज़्यादा गेस्टेशन पीरियड है वो कंपनी फॉरेन कंट्रीज लगाने को तैयार नहीं है। ऑल्सो एफडीआई रिजल्ट्स इन आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज ड्यू टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रॉयल्टीज। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो फॉरेन में जाने लगी, क्योंकि वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको फिर डिविडेंड और रॉयल्टीज देनी पड़ती है। तो उसके वजह से फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो भी होने लगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम टू द नेशनल इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन लीड टू फ्री एंट्री ऑफ फॉरेन गुड्स कंपनीज एंड लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो
ग्लोबलाइजेशन के वजह से क्या हो गया, फॉरेन गुड्स इजीली इंडिया में आने लगे, तो उससे क्या हो गया, अपने इंडियन कंपनीज को खतरा होने लगा। दिस चेंजेस में प्रूव हार्मफुल टू द नेशनल इकोनॉमी ऑफ अ डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज, तो इससे डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज को खतरा हो सकता है। बाद में प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू एक्सटेंसिव यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीन यूज़ करने लगे, लोगों को जॉब मिलना कम हो गया। हाउएवर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन मॉडल टेक्नोलॉजी डज नॉट क्रिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विच आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो ज़्यादा से ज़्यादा इधर जॉब डेवलप क्रिएट कर नहीं पाई जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इम्पॉर्टेंट है। दस अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज लाइकली टू बिकम मोर सीरियस ड्यू टू रैपिड प्रोग्रेस टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ये ग्लोबलाइजेशन के वजह से। अगेन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी, और दूसरा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होने लगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग इधर ख़त्म करते हैं, आप इधर तक पढ़ के लो, पढ़ के लेने के बाद हम लोग ये ख़त्म करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इधर ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।